नमस्कार मित्रों, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ आपका एस्ट्रो फ्रेंड केशव। आज हम बात करने वाले हैं दिवाली की रात्रि बनाए ऐसा तिलक जिस तिलक को धारण करने से आपके बनेंगे सारे काम। ये एक ऐसा दिव्य तिलक है जिसमें ऐसी दिव्य वनस्पतियां और औषधियों का हम प्रयोग करेंगे जिसके माध्यम से आप जो है यश ऐश्वर्य में वृद्धि होगी और आपका वर्चस्व जो है फैलेगा। सबसे पहले जो है मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो तिलक है इसका पवित्रता बहुत रखनी पड़ेगी। अगर आप इसकी पवित्रता मेंटेन नहीं करेंगे तो ये तिलक आपके लिए फलित करने की जगह आपका नुकसान कर सकता है, याद रखिए। अगर आप ओज तेज की वृद्धि करना चाहते हैं, यश ऐश्वर्य की वृद्धि करना चाहते हैं और भगवान की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो भी ये तिलक आपका लाभ करेगा, तो भी ये तिलक आपको लाभ देगा। ये तिलक कैसे बनाना है? धन त्रयोदशी के दिन आप जो भी कुछ चांदी का सामान लाते हैं या चांदी की कटोरी, चांदी का चम्मच, चांदी का कोई भी बर्तन अगर आप लेके आते हैं तो याद रखिए उसमें एक चांदी की कटोरी या चांदी की जो छोटा सा जो तिलकदानी होती है वो ज़रूर लाएं। तिलकदानी में आप जो है केसर डालें और उस केसर में थोड़ा सा गंगा जल डालें। इसके बाद उसको अपनी जो है रिंग फिंगर अनामिका उंगली से आपको खूब रगड़ना है, कटोरी के अंदर ही अच्छे से उसका पेस्ट बना लेना है। जब ये आपका अच्छा सा ये पेस्ट बन जाए इसके बाद आपने चंदन की लकड़ी घिसनी है। पेस्ट बनाने के बाद याद रखिएगा स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो ही इसका लाभ प्राप्त होगा। सेकेंड स्टेप ये होगा आपका कि आपको चंदन घिसना है, अच्छी तरह से चंदन घिसना है और गायत्री मंत्र का पाठ करना है। गायत्री मंत्र का जप करते करते आपने ये चंदन घिसना है। इसके बाद इस चंदन को आपको अंगूठे से लेना है, बट्टे से अंगूठे से लेकर के आपको उस कटोरी में इसको डालना है। ध्यान रखना और उंगलियों का प्रयोग नहीं करेंगे। उसमें हमने सूर्य को डाला है, इसमें हम शुक्र की एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं, उसमें हम डालेंगे और उसके बाद फिर से अनामिका उंगली से इसको अच्छे से मिलाएंगे। इसको मिलाने के बाद इस चांदी की कटोरी को लाल कपड़े से ढक करके आप अपने पूजा स्थान में रात को रख देंगे और रात को जिस जगह आपका दिया जलता है, पूजा का दिया जलता है, उस स्थान में भगवती के सामने कटोरी को रख देंगे और उसके ऊपर एक लाल कपड़ा जो है बिछा देंगे। लाल कपड़ा अब देखिए इसमें आपको तिकोना बनाना है। जैसे आप एक स्क्वायर, आपने एक रुमाल ले लिया, उसको बना लिया स्क्वायर हो जाता है वो। अब स्क्वायर के दोनों पॉइंट्स पकड़ के उसको ऐसे कर देंगे तो एक सैंडविच जैसा बन जाएगा, एक तिकोना आकृति ले लेगा। उस तिकोनी आकृति का जो पॉइंटेड वाला पार्ट है वो देवी की तरफ होना चाहिए और जो फ्लैट साइड है वो आपकी तरफ होना चाहिए और इसको कटोरी के ऊपर रख दीजिए। और इस तिलक का प्रयोग करने से आपके जो है भाग्य में वृद्धि होगी। क्या चंदनम वंदते नित्यम पवित्रम पापनाशनम आपदा हरते नित्यम लक्ष्मी वसतु सर्वदा। लक्ष्मी की कृपा करेगा, आपके तापों का हरण करेगा, आदि भौतिक दैहिक आध्यात्मिक समस्त तापों का नाश करेगा, त्रिविध तापों का नाश करेगा, जो है आपको चतुर्विध पुरुषार्थ प्रदान करेगा और आपकी जय विजय यश की पताका जो है लहराएगा। जब भी किसी भी इंपॉर्टेंट काम करने जा रहे हो बस अंगूठे से अपने थंब को डुबाइए, अपने इष्ट का स्मरण करके इसको अपने माथे में लगाइए, इस तिलक को अपने माथे में लगाइए और आप देखेंगे इससे आपके तेज की वृद्धि होगी और आपके अंदर एक प्रभावशाली व्यक्तित्व जो है जनरेट होगा। आपके अंदर वो आकर्षण और स्तंभन की जो शक्ति है वो प्रबल होगी और आप जो है इससे तेजस्वी बनेंगे। तो आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।